माचा, समझ में नहीं आ रहा इस लड़के का क्या करूं। क्यों, अब क्या हो गया, क्या क्या बताऊं, रोज रोज कोई ना कोई कांड। तुम तो कांप रहे हो। और उसने झट से सिराहने रखी, अपनी बड़ी सी शॉल निकाली और बहुत ही सहजता से बोलो जिंदगी फैमिली ऑफ द वीक के तहत आज हमारी टीम मौजूद है पटना के रुकनपुरा इलाके में, लेख मंजूषा के अध्यक्ष विभा रानी श्रीवास्तव मैम के घर पे। लेख मंजूषा साहित्य और समाज के प्रति जागरूक करने वाली संस्था है, उसके तहत ये एक्टिविटी इनकी चलती है और वैसे तबके जो साहित्य और समाज में जो अच्छा काम कर रहे हैं उसके लिए ये लोग सम्मानित भी करते हैं, उसके लिए ये आयोजन भी कराते हैं और इनकी एक त्रैमासिक पत्रिका भी आती है। तो बातचीत का सिलसिला और चलता रहेगा मैम से, लेकिन फिलहाल हम विभा रानी मैम से हम ये जानना चाहेंगे कि वो लघु कथा लिखती हैं, तो आप अपनी एक लघु कथा हमारे दर्शकों के सामने हम रिक्वेस्ट करेंगे कि एक सुनाएं। लघु कथा का शीर्षक है वक्त का तमाचा। चलिए सुनते हैं फिर हम। वक्त का तमाचा, समझ में नहीं आ रहा इस लड़के का क्या करूं, क्यों, अब क्या हो गया, क्या क्या बताऊं, रोज रोज कोई ना कोई कांड कर देता है। आज जिस बात से आप इतना परेशान हैं वही बात बतलाकर हल्का हो लें। अभी दिल्ली से मेरे पति के मित्र का फ़ोन आया कि मेरे बेटे का सामान, लैपटॉप, मोबाइल, घड़ी उन्हें एक कैब में से मिला है। बेटे से बात का सच्चाई पता कर लीजिए। क्या पता, क्या बात करूं, वह सच बोलता कहाँ है। 2 दिन पहले घर आया था, उसके पास ये सामान नहीं था। हमारे पूछने पर बोला कि हॉस्टल में है, आपको बुरा लग जाएगा इसलिए मैं बोल नहीं रही थी, लेकिन अभी चर्चा चली है तो अपनी शंका आपसे साझा कर लूँ। हाँ हाँ बोलिए ना। मुझे लगता है वो गलत संगत में पड़ गलत आदतों का शिकार हो रहा है। आपकी संख्या सही है, हम लोग भी इसी वजह से परेशान हैं। क्या आपको नहीं लगता कि वह घर के माहौल की वजह से है, शराब और शबाब में पला है। पिता बच्चों के आदर्श होते हैं। पड़ोसन की बात सुनकर सर झुकाए खड़ी रह गई श्रीमती वार्ष्णेय और अपनी पत्नी को निशब्द देखकर उसे चोट लगी का एहसास श्री वार्ष्णेय को हो रहा था। बहुत अच्छी लघु कथा आपकी और ये सामाजिक संदेश दे रही है। हाइकू रचना के लिए भी जानी जाती हैं मैम, तो अपनी उनकी एक पुस्तक है, हाइकू संग्रह है, तो उससे मैं चाहूँगा कि एक हाइकू छोटी सी जो है, जो कविता, उसी के लिए जानी जाती है हाइकू, इसलिए नाम पड़ा। तो अपनी कुछ चुनिंदा हाइकू सुनाएं आप। मैं 2 हाइकू सुनाती हूँ। झरा दोंगड़ा, लिपने की खुशबू चौके से आई, ढूंढे सहारा पत्रविहीन वृक्ष चोंच मेत्रीन, हस्ती बूंदे बूढ़ी छतरी देख आस तोड़ती, डुबाती ठाव देहली लांघ जाती मिटाती छाव। मतलब ये 3-3 लाइनों की जो छोटी, इतनी बहुत छोटी कविता होती है उसको मतलब हाइकू, इसीलिए हाइकू नाम पड़ा। और हाइकू के बारे में मैम कुछ बता दीजिए, हम जो पाठक नहीं जानते होंगे वो क्या है ऐसा डिटेल। यूं तो कहा जाता है कि जापान से आयातित विधा है, लेकिन मेरा मानना है कि यह जब बौद्ध धर्म भारत से जापान गया होगा तो बौद्ध धर्म के साथ ये विधा गई होगी, क्योंकि हमारे वेद में भी 5 और 7 वर्ण की ऋचाएं हैं। तो भारत से ही जापान गए, जापान में रहा और फिर भारत यहाँ लुप्त हुआ होगा या लोगों को ध्यान नहीं गया होगा कि हाइकू पर काम करें। और जापान से जब रविन्द्रनाथ टैगोर की यात्रा हुई, उन्होंने अपने संस्मरण में लिखा, तब लोगों के पास, तब उन्होंने लाया बंगला में और इंग्लिश में, ये हाइकू चला। हिंदी में लगभग 60 साल होने जा रहे होंगे जो हाइकू आए। हाइकू जब आपका जो अनुभव है उसका एक क्षण को लेकर ही लिखी जाती है, 5, 7, 5 3 पंक्ति में 17 वर्ण में की छोटी सी रचना। हाइकू जो है इंडिया में वो कब से उसका प्रचलन माना जाने लगा, मतलब 1916 के जापान यात्रा के में रविन्द्रनाथ टैगोर की चर्चा के बाद बंगला और इंग्लिश में आया। हिंदी में 50-55 साल के लगभग से सत्यभूषण वर्मा जी के कार्य से शुरू हुआ, आगे जी बढ़ाए। आज तो बहुत लोग लिखने वाले हैं, कमलेश भट्ट कमल जी हैं, व्योम जी हैं, सुनीता अग्रवाल हैं, हम लोग की टीम है, बहुत सारे लोग अभी हाइकू लिख रहे हैं। अभी 2001 श्री कमलेश भट्ट कमल जी हैं जो 10 साल पर एक किताब लाते हैं। अभी उनकी किताब आई है हाइकू 2019, तो उसमें चर्चा चली है हाइकू की।
चलिए, आपने भी जाना हाइकू के बारे में, और ये भी साहित्य की विद्या है, तो हम लोगों को भी बहुत अच्छा लगा लेख मंजूषा के अध्यक्ष विभा रानी श्रीवास्तव जी के घर पे आकर। और लघु कथा के क्षेत्र में हमारे गुरु बैठे हुए हैं यहाँ, लघु कथा पितामह डॉक्टर सतीश दास पुष्करणा जी, इन्हीं के मार्गदर्शन में हम लोग हाइकू लघु कथा लिखते हैं, और लेखन में आगे भी हम लोग जो बढ़े सो इन्हीं के मार्गदर्शन से बढ़े। डॉक्टर सतीश दास पुष्करणा जी को भी हाइकू लघु कथा आप लोग सुने जाने, उनसे भी हम लोग सुनते हैं अभी। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आप हमारे इस मुहिम में, इस फैमिली ऑफ द वीक में आज के स्पेशल गेस्ट हैं सतीश राज पुष्करणा सर जी। सतीश राज पुष्करणा सर को लघु कथा का पितामह कहा जाता है, वो एक जाने माना चेहरा, इनको परिचय के मोहताज नहीं है, और इनसे आइए हम जानते हैं, इनकी लघु कथा भी सुनेंगे, सर की लघु कथा भी सुनेंगे। और हम पहले सर से जानना चाहेंगे, सतीश सर से, कि वो बताएं कि लघु कथा आपने कब लिखना शुरू किया। मैंने लघु कथा लिखना 1973 से शुरू किया। यूँ मैं पहले कहानियाँ, कविताएँ, गज़लें लिखता था, और मेरा लेखन जो है सन 1962 से शुरू हुआ। लेकिन फिर एक सज्जन मुझे मिले जो कि हरिमोहन झा के नाम से लोग उन्हें जानते हैं, और वो बहुत लब्ध प्रतिष्ठ उपन्यासकार भी हैं, और उन्होंने मुझसे एक दिन कहा कि भाई तुम इतनी सारी विधाएँ लिखते हो तो वो उसमें जो है तब तक साहित्य में काम करने का आनंद नहीं है जब तक के आपकी गिनती कम से कम 25-50 में ना होने लगे। तो अभी जो विधाएं आप लिख रहे हैं उनमें वो बात नहीं बन रही है, ठीक है पत्र पत्रिकाओं में आप छप रहे हैं, ये हो रहा है, लेकिन वो अभी आपका नोटिस जो है आलोचक नहीं ले रहे। तो आप कोई एक विधा ऐसी चुनिए और उसमें समर्पण भाव से काम कीजिए ताकि लोग आपको जाने पहचाने और आपका ध्यान भी उधर केंद्रित रहे। तो बात आई गई होगी, फिर वो एक आध हफ्ता 10 दिन के बाद आए, वो कहने लगे कि मेरी बात पर विचार किया आपने। तो मैं तब तक उस बात को भूल ही चुका था, मैंने कहा वो कौन सी, अरे कहा था ना कि एक विधा कोई चुन लीजिए उसमें लिखिए। मैंने कहा जी मैंने तो उस पर ध्यान नहीं दिया। बोले कि मैं बताता हूँ कि आप जो है ये जो छोटी छोटी कथाएँ आप लिखते हैं आप इसी में काम कीजिए, चूँकि इसमें जो आप कर रहे हैं वो आपको बहुत आगे ले जा सकता है। और उन्होंने कहा कि किसी भी विधा में काम करने के लिए सिर्फ सृजन काफ़ी नहीं है, उसके आलोचना पक्ष पर भी आप ध्यान दीजिए, उसके शास्त्रीय पक्ष पर भी ध्यान दीजिए, उसमें आयोजन संपादन ये सारे काम भी आप कीजिए, तब आप देखेंगे कि आप इस विधा में बहुत कुछ कर सकते हैं। तो वो चूँकि लगभग मेरी पिता की उम्र के थे और मैं उनका बड़ा आदर करता था, और पटना विश्वविद्यालय में वो दर्शन शास्त्र के हेड भी थे, तो मैंने उसको फॉलो करना शुरू किया, और मैंने देखा कि परिणाम जैसा वो चाहते थे वैसा निकला। और आज मैं ये तो नहीं मैं कह सकता कि मैं अपने काम से संतुष्ट हूँ, और मुझे तो अभी लगता है कि मुझे बहुत कुछ करना है, लेकिन जो मेरे पाठकों का, मेरे आलोचकों का जो स्नेह मुझे मिल रहा है उससे निश्चित रूप से मुझ में हर दिन एक नई ऊर्जा आ जाती है, और मैं इस विधा में फिर नए नए ढंग से काम करने की कोशिश करता हूँ। और मैंने नए नए बहुत सारे प्रयोग भी ऐसे किए जहाँ पर पहले के लोग रूढ़ थे, मैंने उन रूढ़ियों को तोड़ा, और जब मैंने रूढ़ियों को तोड़ा तो मेरी बहुत आलोचना हुई और बहुत कुछ कहा गया, लेकिन आज मुझे खुशी है कि वो जो लोग मेरी आलोचना कर रहे थे वो ना मात्र मेरी प्रशंसा अब करते हैं, वे भी उसी तरह का लेखन वो कर रहे हैं। और मैंने बहुत सारी किताबों का संपादन किया, पत्रिकाओं का संपादन किया जो केवल लघु कथा को समर्पित थी, और अभी तक पटना में जैसा कि सब लोग जानते हैं कि हमने 29 अखिल भारतीय लघु कथा सम्मेलन किए, और बड़े बड़े सम्मेलनों में मैं बाहर भी गया। तो इस तरह से जो है, और सृजन तो मैं करता ही, लगभग 1600 के आसपास लघु कथाएं मैंने अब तक लिखी हैं, और आज भी मेरा रुझान, अन्य विधाएं भी लिखता हूं, समीक्षा आलोचना भी करता हूं, लेकिन जो रुझान लघु कथा की ओर है वो अपेक्षाकृत अन्य, जैसे कविता है, गज़ल है, गीत है,
या कहानियाँ, हाँ हाँ, लेकिन अगर कोई विचार कहानी का आ जाता है तो ऐसा नहीं कि मैं कहानी से कोई परहेज करता हूँ, परहेज नहीं करता, चूँकि उसी विधा से तो मेरा प्रवेश साहित्य में हुआ था, तो कहानी भी लिख लेता हूँ। कविता का कोई आता है और हाइकू, तांका, चौका, इन विधाओं में भी मैंने मैं क्या कहूँ, मेरे कुछ मित्रों ने मुझसे इस विधा में भी काम करा लिया और लगभग हाइकू से जुड़ी हुई मेरी 10 किताबें प्रकाश में आ चुकी हैं और अच्छे अच्छे संकलनों में उनका प्रकाशन भी हुआ है। अभी भी अभिराम साहित्यिकी का एक हाइकू विशेषांक आया है, उसमें मेरे 10 हाइकू प्रकाशित हैं। तो इस प्रकार जो है मैं अपना काम करता जाता हूँ, बाकी चीज़ों की मैं चिंता नहीं करता कि लोग अगर मेरी तारीफ़ करते हैं तो निश्चित रूप से मुझे अच्छा लगता है, और आलोचना यदि करते हैं तो मैं उसमें ये ढूंढता हूँ कि वाकई कि कहाँ मुझे अपने को सुधारना चाहिए, और यदि मुझे कुछ वैसा लगता है तो मैं उसको सुधारता भी हूँ। मैं आलोचकों को अपना अच्छा मित्र मानता हूँ। बहुत बढ़िया सर। और लेकिन सारी विद्याएं एक तरफ और आपकी लघु कथा एक तरफ, तो आप लघु कथा के लिए ही अभी ज़्यादा जाने जाते हैं, तो हम जानना चाहेंगे कि आपकी भी एक लघु कथा, मतलब कौन सी आप लघु कथा सुना रहे हैं हमारे दर्शकों के लिए, और उम्मीद करते हैं कि हमारे बोलो जिंदगी के दर्शक जिसके लघु कथा के लिए जिन जो नाम पहचान के मोहताज नहीं है वो हमारे साथ बैठे हुए हैं और वो अपनी खुद की एक रचना सुना रहे हैं। कौन से सर है लघु कथा? धरती। चूँकि पहले मैं बता दूं कि लघु कथा में शीर्षक का भी बड़ा महत्व है और उसको हम लोग रचना से अलग करके नहीं देख सकते, और बहुत बार क्या होता है कि लघु कथा का शीर्षक ही उस विधा को संप्रेषित करता है, और धरती जो इसमें है वो आपको पूरी लघु कथा में धरती शब्द कहीं नहीं दिखाई देगा, लेकिन ये प्रतीकात्मक के रूप में जब इसे देखेंगे तो आपको ये दिखाई देगा। ये भी बहुत बड़ी बात हो गई, ये जानकारी हमारे सामने सुलभ कराई सर ने। मौसम कब बदल जाए इसका किसी को पता नहीं होता, हालांकि मौसम विभाग पूर्व सूचनाएं देता रहता है, मगर सभी लोग इससे कहां लाभान्वित हो पाते हैं। ऐसा ही कुछ उसके साथ भी हुआ था। जब वह यात्रा हेतु निकला था तो मौसम साफ था, ठंड भी कोई विशेष नहीं थी, किंतु वह जैसे ही ट्रेन पर बैठा कि आकाश में बादल छाने लगे और ठंड ने भी हल्की सी वृद्धि सी हुई। गाड़ी जैसे जैसे अपनी गति से आगे की ओर बढ़ती गई, बारिश और ठंड की गति भी उसी अनुपात में विस्तार पाती गई। गाड़ी में बैठे प्राय सभी यात्री ठंड से लड़ने में सक्षम सिद्ध हो रहे थे। उस डिब्बे के सभी खिड़की दरवाजे बंद थे, लगभग सभी ने कंबल, रजाई या ऊनी चादर की शाल ओढ़ रखी थी। सबकी मिलीजुली सांसें भी मौसम को पछाड़ने में सहायक हो रही थी, मगर वह पराजित होता जा रहा था। उसके शरीर के कांपने के साथ साथ उसके दांत भी किटकिटाने लगे थे। उसका युवा रक्त भी उसे पर्याप्त गर्माहट देने में असफल हो रहा था। उसने बेबसी की स्थिति में साथ बैठी युवा यात्री के कंबल में हल्का सा घुसने का दुस्साहस किया तो उस युवा यात्री ने उपेक्षा भरी दृष्टि से देखते हुए उसे हल्का सा झटका दिया। इस समय उसने अपनी फैशन परस्ती और दिखावटीपन पर क्रोध आ रहा था। उसे स्मरण हो आया कि घर से प्रस्थान करते समय उसकी माँ ने उससे कहा था, बेटा मौसम का कुछ ठिकाना नहीं है, तुम अपने साथ कंबल, टोपी, मफलर, दस्ताने आदि रख लो, शायद यात्रा में आवश्यकता आन पड़े। नहीं माँ, इतना बोझा कहाँ उठाता फिरूँगा, फिर एक दिन ही की तो बात है, भैया के पास रात ठहरना है, कल रात फिर लौट ही आऊँगा। बेटा सामान पास हो तो समय बेसमय काम आ जाता है, एक झोला तो ले लो और इन उन्हीं कपड़ों को उन्हीं में रख लो, कंधे से लटका लो, कोई विशेष बोझ भी नहीं होगा। मगर वह नहीं माना था, अब उसे अपनी नादानी पर रोना आ रहा था। दांत थे कि किटकिटाते ही जा रहे थे। सामने की सीट पर एक वृद्धा सोई हुई थी, उसने जब करवट बदली उस वृद्धा के दांतों के बजने का स्वर उसके कानों से भी टकराया, वह लगभग चौंकते हुए उठी, अरे तुम तो कांप रहे हो, और उसने झट से सिराहने रखी अपनी बड़ी सी शॉल निकाली और बहुत ही सहजता से उसकी ओर उछाल दी, ले ओढ़ ले, काफ़ी ठंड है बेटा। उसे लगा वह वृद्धा नहीं,
कोई और वृद्धा कोई और नहीं, उसकी अपनी माँ है। उसे अपने जहन में विचार को था, माँ माँ ही होती है, उसका कोई एक चेहरा नहीं होता। वाह, बहुत ही सराहनीय रचना, और जिसके लिए सर जाने जाते हैं और हमारे इस कार्यक्रम में स्पेशल गेस्ट बनकर आए सर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।